हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको समोसे के लिए चटपटा आलू मसाला बनाने की विधि के बारे में बताने जा रही हूँ। ये तरीका देखने से पहले नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले रेसिपी के बारे में आपको मालूम चल सके। समोसों की स्टफिंग के लिए 4 मीडियम साइज़ के आलू को बॉयल करके रख लिया है। इन्हें हम मैश कर लेंगे। स्टफिंग बनाने के लिए हमने यहाँ पे कढ़ाई को गर्म कर लिया है। अब इसमें हम 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। 2 टेबलस्पून के लगभग हमने यहाँ पर ऑयल डाल दिया है। ऑयल को कढ़ाई में अच्छे से सेट कर लेंगे। 1/2 टेबलस्पून साबुत धनिया डालेंगे। 1/2 टेबलस्पून अजवाइन। अब हम इसमें डालेंगे हींग डाइजेशन के लिए। 2 चुटकी के लगभग हमने हींग डाला। अब हम डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च 2 है। अब हम इनको चला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे हरी मटर। अब हम इनको 1 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे उबले हुए आलू। हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है तो अब हम डालेंगे यहाँ पे 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ पनीर। पनीर को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे 2 मिनट पकाना है। फाइनली हम यहाँ पर डालेंगे हरा धनिया बारीक कटा हुआ। इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब हमारा समोसे के लिए स्टफिंग रेडी है।